तो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे अपना किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसान रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और किसान संबंधी सभी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे डीजल अनुदान के लिए लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभ और किसान संबंधी सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको किसान रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और किसान रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इस साइड पे आना होगा और इस साइड का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप पंजीकरण पर क्लिक करते हैं, आपके सामने अब यहाँ पे पंजीकरण करें, पंजीकरण जाने और प्राप्ति प्रिंट करें, तीन ऑप्शन आ जाता है। आपको पंजीकरण करें के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप सीएससी यूजर है तो सीएससी पर क्लिक कीजिएगा, सहज यूजर है तो सहज पर क्लिक कीजिएगा, और यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी आईडी नहीं है तो जनरल यूजर पर क्लिक कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, और यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो सेकंड वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा और आप फिंगरप्रिंट के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, आपका जो भी डिवाइस होगा मार्फो का या फिर मंत्रा का, आप अपना डिवाइस यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वाले बॉक्स में फ्रेंड्स आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना आधार नंबर इंटर कर दीजिएगा और इस वाले बॉक्स में आपको अपना नाम इंटर करना है, और नाम इंटर करने के बाद स्टार्ट कैप्चा पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप स्टार्ट कैप्चा पर क्लिक करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट में एक लाइट आएगा और आपको फिंगरप्रिंट स्कैन करवा लेना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैन सक्सेसफुल्ली हो जाएगा, आपको यहां कैप्चर सक्सेसफुल्ली का मैसेज आ जाएगा और यहां पे एक टिक लगा हुआ सिंबल आ जाएगा। अब आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं किसान रजिस्ट्रेशन के लिए इन सभी डिटेल को फिलअप करना होगा। तो चलिए, कहां क्या फिलअप करना है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे आपका नाम पहले से यहां पे लिखा हुआ मिल जाता है और आपको इस वाले बॉक्स में कुछ भी फिलअप करना नहीं है। यहां आप अपने पिताजी का नाम इंटर कर लीजिएगा और उसके बाद यहां पे आपका आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसे यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, यहां पे हम अपने पिताजी का नाम और यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने अपने पिताजी का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, हम पुरुष है तो पुरुष सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो भी जाति होगा फ्रेंड्स, हम अपना जाति सिलेक्ट कर लेंगे। और कृषक टाइप में फ्रेंड्स, यहाँ पे कृषक का श्रेणी में आपको लघु किसान सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपका जो भी जिला होगा फ्रेंड्स, वो जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जिला सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको आपका प्रखंड सिलेक्ट करना होगा। तो प्रखंड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा, इसमें से जो भी आपका प्रखंड होगा उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और आप अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको आपका गाँव सिलेक्ट करना होता है, तो आपका जो भी गाँव होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो भी गाँव होगा फ्रेंड्स, उस गाँव को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका मोबाइल नंबर जो भी होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है। आपका जो भी बैंक होगा, जिस भी बैंक का पासबुक होगा, वो बैंक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है, तो हम यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी यहाँ SBI है उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको IFSC कोड फिलअप करना है, तो हम अपना IFSC कोड यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। और हमारा अकाउंट नंबर जो भी होगा फ्रेंड्स, उसे हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने अपना सारा डिटेल को फिलअप कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और एक बार फ्रेंड्स, आप अपना सारा डिटेल को एक बार मिला लीजिएगा, आपको लगे कि हमारा द्वारा फिलअप किया गया सभी डिटेल सही है, तो आप लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा और उसमें एक OTP होगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको कीबोर्ड में टाइप कीजिएगा कंट्रोल, उसके बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसा करने से ये होगा कि आपके सामने ये पेज रह जाएगा और ये OTP सबमिट करने के लिए एक दूसरा पेज ले लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे सामने ये दूसरा पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे OTP सबमिट भी हो चुका है।
यदि मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई एरर आ जाता और सर्वर फेल का मैसेज आ जाता, तो ऐसे में हमारे पास पहले से ये पेज रहेगा और दोबारा आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करके इसे सबमिट कर सकते हैं। यदि आप कंट्रोल प्लस क्लिक बटन नहीं दबाते हैं तो ऐसा होगा कि जब एरर आएगा तो आपका सारा मेहनत बर्बाद चले जाएगा, इसलिए आप कंट्रोल दबाने के बाद क्लिक बटन क्लिक कीजिएगा। तो हमारे सामने ये ओटीपी सबमिट हो चुका है और लास्ट में आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ भी फ्रेंड्स आप सेम प्रोसेस अपनाइएगा, पहले कीवर्ड में कंट्रोल दबाइएगा और उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपका रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा एक दूसरे टैब पर। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये टैब ओपन हो गया है और हमारा किसान पंजीकरण सक्सेसफुली हो चुका है, जबकि हमारे सामने ये पेज यहाँ पे पड़ा हुआ ही है। और मान लीजिए यहाँ पे यदि कोई एरर होता तो यहाँ पे हम दोबारा रजिस्टर बटन पर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकते थे। तो फ्रेंड्स यदि आप भी किसान पंजीकरण करने का काम करते हैं तो इस ट्रिक को अपनाइएगा। अब फ्रेंड्स इससे आपको अधिक हेल्प मिलेगा और आप कम समय में अधिक पंजीकरण कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।